स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग इज नेचर और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. वी हैव ऑलरेडी डन मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. नाउ व्हाट आर द फीचर्स और नेचर ऑफ कंट्रोलिंग? इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स. एज ऑल ऑफ यू नो दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो डन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो फर्स्ट फंक्शन इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन. फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन. यस, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन बिकॉज और एज इट एम्स टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अकम्पलिश मेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यस स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन? बिकॉज द मेन एम ऑफ कंट्रोलिंग इज दैट इट एंश्योर्स दैट. एंश्योर्स मीन्स ये एंश्योरिटी प्रोवाइड करती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. रिसोर्सेज आपको पता है कौन कौन से होते हैं? हमारे जो यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं. जितने भी तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है. फिर एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? कि काम को टाइम पर ख़त्म करना. एंड एफिशिएंटली मीन्स एट लीस्ट कॉस्ट. तो हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन ये हेल्प करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हमारे गोल्स टाइमली अचीव हो पाएँ. और वो ऐसा कैसे होता है? कि बाई उनके एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली वॉच करके, मॉनिटर करके, उन लोग को टाइमली एक्शंस या गाइडेंस प्रोवाइड करके कंट्रोलिंग हेल्प करती है हमारे गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में. नाउ द सेकंड फीचर इज़ परवेसिव फंक्शन. What do you mean by pervasive? Pervasive का meaning क्या होता है? Universal. Universal means required everywhere. हमने पढ़ा था management is universal, management is a pervasive function. Management की जगह requirement हर जगह होती है. Planning भी हमने पढ़ा था, planning generally हर एक organization करता है. इसी तरह से हमारा controlling भी एक pervasive function है हर एक manager के लिए. Because it is required at all the levels of management. It is required at all the levels of management. We know that there are different levels of management. चाहे वो हमारा टॉप है, चाहे हमारा मिडल है, चाहे हमारा लोअर है. सभी लेवल्स पर हमारा जो है कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. टॉप लेवल जनरली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मिडल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मिडल लेवल एग्जीक्यूटिव्स. मिडल लेवल एग्जीक्यूटिव्स जनरली कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, एज वेल एज लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स. सो कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, हर जगह हमें एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज परवेसिव फंक्शन. थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस
यस, हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रॉपरली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। इन द सेम वे कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ये जब हमेशा चलती रहती है। एंड द साइकिल ऑफ अप्रेजल ऑफ वर्क, अप्रेजल ऑफ वर्क, कंपेयरिंग विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, फाइंड आउट डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड सो ऑन। हम कहते हैं कंट्रोलिंग हमारी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हम हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ को बार बार कंट्रोल करते हैं, जब तक चलती रहती है, जब तक कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। कहता है साइकिल जो हमारी अप्रेजल की है, इवेल्युएशन की है, कि हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो स्टैंडर्ड्स, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम पर चेक करते रहते हैं कि हमारा वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है। कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और उनके बीच में कंपेरिजन करके हमें फाइंड आउट करते हैं कहीं कोई डेविएशंस तो नहीं है, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर डेविएशन है तो टाइमली करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि वो डेविएशंस अराइज ना हो। तो कंट्रोलिंग का काम हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव अपने जो हैं बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको अचीव करने के लिए हम प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, और डेविएशंस को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उनके बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये अलग से क्वेश्चन आता है, इज कंट्रोलिंग बी द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है? तो आपका आंसर क्या होगा, नो, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वाई, बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज इट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शन, बिकॉज द करेक्टिव एक्शन इन कंट्रोलिंग इज टेकन टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ डेविएशंस इन फ्यूचर, और वी कैन से दैट इट सीक्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग फॉर फ्यूचर। यस,
अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो हम कहेंगे येस, कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और अ नेवर एंडिंग प्रोसेस बिकॉज इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो काम है हमारा वर्क अप्रेजल का, ठीक है, कंपेरिजन का, डिविशन फाइंड आउट करने का, करेक्टिव मेजर का, चलता रहता है जब तक कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो जाते। एक गोल अचीव हो गया फिर हम दोबारा से अपने लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इसी तरह कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज बार बार हम परफॉर्म करते हैं। दैट इज वाई कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन इसमें ही और अराइज होता है, क्या कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये लास्ट फंक्शन इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वापस हमारी जो मैनेजमेंट साइकिल को प्लानिंग फंक्शन की तरफ मोड़ देती है। इट विल ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू द बैक टू द प्लानिंग स्टेज। वाई? बिकॉज करेक्टिव एक्शंस इन कंट्रोलिंग इज टेकन, क्योंकि जो हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं वो क्यों लेते हैं? टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ डेविएशन इन द फ्यूचर, ताकि प्रिवेंट जो हमारी डेविएशन से ये हमारी फ्यूचर में अराइज ना हो। एंड इट सीक्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म किया तो हमने यहाँ पर डेविएशन अराइज हमारी हुई थी, 100 यूनिट्स बनानी थी और हमने बनाई थी केवल 80 यूनिट्स, 20 यूनिट्स का यहाँ पर डिफरेंस था। तो हमने इसका कॉज आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे, जिस वजह से डेविएशन अराइज हुई। तो हमने इसके लिए क्या करेक्टिव मेजर लिया? हमने मशीनरी रिप्लेस कर दी और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी। ठीक है, फिर हम दोबारा से फिर प्लानिंग करेंगे, फिर अगले काम के लिए फिर स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस उनकी होगी, फिर चेक करेंगे, फिर लास्ट में फिर कंपेयर करेंगे क्या अब हमने प्रॉपरली अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए। दैट इज़ वाई ये वापस हमें जो है कंट्रोलिंग फंक्शन प्लानिंग स्टेज की तरफ ले जाता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट इन फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब कहता है कंट्रोलिंग आपकी फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ देखना, बैकवर्ड मीन्स पीछे की तरफ देखना। तो कहते हैं कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब हम बोलेंगे आखिर कंट्रोलिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन या फिर बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाई कंट्रोलिंग इज कॉल्ड एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, मीन्स पीछे की तरफ देखती है। इट मीन्स कंट्रोलिंग क्या है, एक तरह से लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़। पोस्टमार्टम कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की मान लो डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ होने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि भाई इस पर्सन की डेथ का मेन कॉज क्या था। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कंट्रोलिंग के थ्रू ये पता लगाते हैं कि डेविएशंस अराइज होने का मेन कारण किया है। ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड। दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। एंड स्टैंडर्ड हमारे कहाँ पर बने होते हैं? प्लानिंग स्टेज पर। ठीक है, पहले हमारा यहाँ पर हम लेके चलते हैं प्लानिंग है और ये कंट्रोलिंग है। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, स्टैंडर्ड हमने यहाँ सेट किए थे 100 यूनिट्स के, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई, हमने कंट्रोलिंग की, एक्टिविटीज़ हमने लास्ट में कंपेयर की कि भाई कितनी यूनिट्स बनी हैं, 80 यूनिट्स बनी थी। तो हमने आइडेंटिफाई किया डेविएशन का, डेविएशन का फाइंड आउट द कॉजेज, कॉजेज फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, हमने फिर उसके लिए आगे एक्शंस लेंगे, मेजर्स लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में आपके स्टैंडर्ड्स क्या थे।
ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, मीन्स जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी कंडक्ट हो जाती है तो वो डेविएशंस का पता लगाते हैं, कॉजेज का पता लगाते हैं और कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड्स कहाँ पर बने होते हैं आपके, सेट होते हैं प्लानिंग स्टेज में। तो इसलिए वापस पीछे मुड़कर की तरफ देखते हैं एक तरह से प्लानिंग के तरफ, और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो चुकी हैं दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज़ कंसीडर्ड एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब हम कहते हैं कंट्रोलिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहते हैं, मीन्स आगे की तरफ देखना, ठीक है। कंट्रोलिंग को अब हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, करेक्टिव एक्शंस जो भी हम लेते हैं इन केस ऑफ कंट्रोलिंग, देयर मेन एम इज टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। कि कंट्रोलिंग में हम जो भी करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उनका मेन मोटिव क्या है, फ्यूचर में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ताकि ये जो डेविएशन इस बार आई हैं नेक्स्ट टाइम अराइज ना हो। सो दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज़ कंसीडर्ड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन।